अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी ने जो रिपोर्ट दी है उसने अमेरिका की नींद उड़ा दी है। राष्ट्रपति चुनावों के दौरान पुतिन उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन से अमेरिका में विस्फोट करवा सकते हैं और इसी के बाद से अमेरिकी सेना और एजेंसीज हाई अलर्ट पर हैं। अमेरिका में माहौल गर्म, राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। चुनावी भाषणों में डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन को अमेरिका के लिए इतिहास का सबसे खराब राष्ट्रपति बता रहे हैं और पुतिन अमेरिका के अंदर मचे चुनावी घमासान का पूरा पूरा फायदा उठा रहे हैं। ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी के सीनियर अधिकारियों ने किया। एक दो नहीं बल्कि अमेरिका की सीक्रेट सर्विस के लिए काम करने वाले 6 वरिष्ठ अधिकारियों के एक पैनल ने दावा किया है कि राष्ट्रपति चुनाव के दौरान या उसके फौरन बाद अमेरिका पर बड़ा हमला हो सकता है। यह हमला रूस या चीन की तरफ से नहीं होगा। अमेरिका पर हमले का सबसे बड़ा खतरा किम जोंग उन की ओर से है, लेकिन इस हमले के पीछे रूस और चीन का हाथ होगा। इस चेतावनी के बाद अमेरिका में खलबली मची, क्योंकि अमेरिका के एनबीसी न्यूज चैनल पर अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के 6 अधिकारियों ने अगला दावा अमेरिका पर एटमी हमले को लेकर किया। सीक्रेट सर्विस के इस पैनल ने दावा किया कि बाइडेन प्रशासन को इस बात की चिंता है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के बीच बढ़ते सैन्य गठबंधन से प्योंगयांग की परमाणु क्षमताओं में व्यापक विस्तार हो गया है। इससे आने वाले दिनों में एशिया प्रशांत क्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है। तो क्या अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव प्रचार करते रह जाएंगे और पुतिन शी जिनपिंग मिलकर किम जोंग से अमेरिका पर एटमी मिसाइल से धमाका करवाएंगे? सीक्रेट रिपोर्ट में आशंका जाहिर की गई है कि पुतिन जिनपिंग और किम जोंग ने मिलकर अमेरिका के खिलाफ बहुत बड़ी न्यूक्लियर साजिश की। अमेरिका में बड़ा धमाका हो सकता है। अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि अमेरिका में चुनाव के समय यह हमला हो सकता है और पुतिन और जिनपिंग की ओर से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद उत्तर कोरिया इस हमले के लिए पूरी तैयारी भी कर चुका है। बाइडेन प्रशासन को इस बात की चिंता हो रही है कि रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया मिलकर राष्ट्रपति चुनाव से पहले अमेरिका को अक्टूबर सरप्राइज दे सकते हैं। इस चिंता की ठोस वजह है। कुछ दिन पहले पुतिन चीन के दौरे से लौटे और इस दौरे के तुरंत बाद पुतिन खुद उत्तर कोरिया में किम जोंग से मिलने जा रहे हैं। पुतिन का यही दौरा अमेरिका के डर की सबसे बड़ी वजह बन गया। अमेरिका की सीक्रेट रिपोर्ट से पहले दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी ने एक रिपोर्ट जारी की, दावा किया था कि उत्तर कोरिया ने बड़ी तादाद में रूस में गोला बारूद और बैलिस्टिक मिसाइलों की सप्लाई की। यूक्रेन ने भी आरोप लगाया था कि रूस की तरफ से उत्तर कोरिया की बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जा रही। पिछले साल किम जोंग उन ने रूस की यात्रा की थी। इस यात्रा के तुरंत बाद रूस के हथियार डिपो से किम की मिसाइलें निकलने लगी। इस बार पुतिन किम से मिलने जा रहे हैं, इसलिए अमेरिका की खुफिया एजेंसियों के हाथ पैर फूले हुए हैं, क्योंकि इस बार डील बैलिस्टिक मिसाइल की नहीं परमाणु हथियारों में हो सकती है।